नेक्स्ट संडे को सीएम आया था तो हमारा हजर हुआ, ऐसा वहां चौक पे हुआ था। आपका मीडिया का अधिकारी के पास क्या हमें अपनी कंप्लेन देने का अधिकार नहीं है? इस बच्चे को लेकर मैं घूम घूम के थक गई भाई साहब। रोक कौन रहे आपको कंप्लेन देने की? महिला अधिकारी, इनका सीआई चीफ व्हाइट कलर की कैप में है। मामला ये है जी, हमारी कंप्लेन ले ली जाती है, हमें एक नंबर मिला, हर बार कंप्लेन देते हैं। मामला क्या है? मामला ये है जी, पावर हैंडलूम वालों की हम बहने, ये गलती है हमारी। हमने अपने कोर्ट में सारे कागज लगा रखे कि हमें हिस्सा लेना या नहीं लेना, पर यहाँ पे हमें जहाँ पे भी पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला बनाया जा रहा है जी। पारिवारिक मामला नहीं है, पारिवारिक मामला तब तक होता जब हमें मारा ना गया होता। हमारे साथ मारपीट होती है 8 फरवरी 2022 से, उस कंप्लेन को हम ले लेके घूम रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उस कंप्लेन को दबाने के लिए एसएचओ आर्यनगर ने पिछले संडे हमारे साथ रोड के ऊपर, इस बच्चे ने मेरे को रोड पे घसीटा गया मैम की आवाज में, मैसेज किया देखो इस बच्चे के साथ मारपिटाई होती है, आज मेरे साथ हुई है, फिर हमारा क्या कचरा, इसको मेंटल घोषित करने की कोशिश है। और मेरे को या मैं मर जाऊँ या मैं मेंटल हो जाऊँ भाई, हम किसी भी तरह हमारे पैसे की दम पे हमारे हिस्से का शेयर लेने के लिए पुलिस वाला एसएचओ आर्यनगर ये कहता है कि तुम्हारा पंचनामा, मेरे पास पैसे आए हुए हैं, तुम्हारा पंचनामा मैं करूंगा। अच्छा, और अपने अधिकारी है, कुछ ऐसे अधिकारी है, एक मंत्री है, एक दो तीन, ये तीनों पिंक सूट वाली को छोड़ के तीनों अधिकारी, और एक ये चौथी, इन्होंने हमारे को वहाँ पे जानवरों की तरह घसीटा है। वजह हम अपनी कंप्लेन देने क्यों जा रहे हैं? आम आदमी की तरह हम भी सीएम साहब से मिलने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये तो दरबार लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है? हमारे लिए नहीं लगा जी, 1.5 साल हो गए मेरे को कुत्ते की तरह सड़क पे घूमते, हर अधिकारी के पास हम जा चुके हैं, नीचे से लेके आईओ से लेके एसपी डीएसपी आईजी अनिल विज के दरबार में 2 बार पेश हुए, 2 बार अनिल विज के पास पेश हुए, खट्टर साहब के पास दे चुके हैं, यहाँ पे कितनी बार कंप्लेन, हमारी कार्रवाई कभी भी नहीं। क्या मामला है पूरा, मतलब एक बार कोई मामला है? समस्या ये है कि अपाहिज बच्चा है, इसके साथ इसको अनाथालय में डालने की कोशिश की गई, मैंने चाहा कि ये मेरे पास रहे, मैं इस बार मैं अपनी माँ के अंतिम समय तक उनके साथ थी, उसके बाद मैं और मैंने मदर संभाल रही थी, इस बच्चे को मदर के बाद मैं संभाल रही सिंगल मॉम होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। हमारे कोई कुछ नहीं, हमारी किसी दरख्वास्त में कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कंप्लेंट आपने करा रखी है, सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही। इस बच्चे के साथ एसएचओ आर्यनगर ने जो बदतमीजी की लास्ट संडे को, उसमें रिपोर्ट नंबर देने के लिए भी हमारे पे दबाव बना रहा है कि नहीं देने देता, क्या कर लेगी। उस दिन सीएम साहब रोहतक आए थे, उस दिन की वो वीडियो वायरल हुई थी जिस तरीके से बदतमीजी करी गई थी आपके साथ, इस गुड़िया के साथ, तो उस दिन अंदर नहीं जाने दिया आपको? नहीं जाने दिया। और आज मुख्यमंत्री आए हैं, आज भी हमें नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। आपका लिस्ट में नाम नहीं है, मनीष ग्रोवर के पर्सनल फैमिली मेंबर हमारे सामने गए हैं, पब्लिकली गए हैं, 10-10 आदमी गए हैं। अगर हम क्या, हमारे पास ना तो पैसे की पावर है भाई, ना मेरे पास कोई सफारिश है, मेरे साथ इसलिए ऐसा। आपने आर्यनगर एसएचओ पे, हम दुपेंद्र हुड्डा के पास भी गए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को आगे रखेंगे, उन्होंने हमारी पूरी बात भी सुनी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों के पास फोन भी किया, उसके बाद भी हमारे को ये कहते हैं उनकी सरकार नहीं है, तारीखें चलेगी। आपने आर्यनगर एसएचओ पर रिश्वत के आरोप लगाए थे? बिल्कुल सच्चा जी, हमारा आप वीडियो है, आपसे पैसे लिए थे आर्यनगर एसएचओ से? 70,000 रुपए लेके मुझे तब छोड़ा गया था, मैं और मेरी बहन आर्यनगर थाने में बैठ, ओल्ड सब्जी में मंडी में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, लास्ट ईयर इन्हीं दिनों की बात है। कि आपके सामने रिश्वत के पैसे लिए थे एसएचओ ने? हाँ जी। क्या नाम एसएचओ का? एसएचओ देवेंद्र, जिसमें देने वाला साहिल जुनेजा, मेरा भाई ऋषु, पंकज, मुकेश और कृतिका जुनेजा एडवोकेट रिश्वत देने आए थे, हमें एक साइड के रूम में बिठा रखा था, दरवाजा खोल के कहते ये देख आ गई ना। और आज भी हमारे सामने महिला अधिकारी जो है, हमें परेशान करी थी, आज एक व्यक्ति आ गए, इनको मिठाई का डब्बा दे के गए, इनने मिठाई ली है, देवेंद्र एसएचओ ने हमारी आंखों के सामने पब्लिक गवाह है कि इनको तुमने मारा, ये लो मिठाई खा। हमारा जो मिठाई देगा वो कौन था फिर? डाबड़ा, आपका, उनके, आपके परिवार मेरे भाइयों से, वो मेरे भाइयों के साथ मिलके वो हर पुलिस वाले को हमारी दुकान से कंबल रजाइयां गिफ्ट दे के आता है बकायदा रिश्वत बतौर तौर पे, वो लड़का। ठीक, क्या मामला? अब यहाँ तक आ ही गए हैं,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।